किसान की मेहनत दोस्तों ऐसे ही नहीं होता पैदा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के कोई 12 और मैं आया था अभी घेर में चक्कर लगाने, ऐसे ही घूमने, मतलब खाना खा के थोड़ा सा घूमने आ गया। तो यहाँ पे जो आया मैंने तो ये जोरावर की 24D रखी है। देखो गाइस किसान भाइयों, इसमें M-Insult जो है 58% है, SL हाइब्रिड साइड का, और एक ये अडामा की है, पाना एक्स करके है, और पैरा क्वेट डिस हेल्पराइड, इसमें 24% SL करके है, ठीक है। और यहाँ पे चल रही है 12 जो कि देख सकते हो गाइस। और ये जो घास की स्प्रे है ना, ये हमारे ढक्कन भाई साहब कर रहे हैं इस खेत में, ये इनका गन्ना ये बचा हुआ है इतना। और बाकी हमारे जंगल के एरिया की स्थिति यह है कि गेहूं अभी इतने लगभग आ चुके हैं पूरे गांव में। अभी मेरे जो पूरे गांव में है ना, सिर्फ ये वाला खेत कटाई आया, देख सकते हो इसमें कटाई लगी है, क्योंकि उधर रास्ते पर से जाते हैं ना तो पता लगता है कि उधर कोने पर कटाई चालू हो चुकी है लगभग। और ये जो गन्ना खड़ा है, ये मैं बता दूँ किसान भाइयों, ये गन्ना सिर्फ रस के लिए खड़ा है, ये 550-600 रुपये क्विंटल के हिसाब से जाएगा, अभी इसको रोका हुआ है। इसका जो रस है ना वो ख़राब नहीं होता, ज़्यादा टाइम तक चलता है रस। और इसका जो रस होता है ना बहुत बढ़िया वाला रस होता है, मतलब हमारे नॉर्मली ये जो खेत में गन्ना खड़ा है ये 38 का गन्ना खड़ा है, ठीक है। अब 38 का जो है गन्ने का रस इतना अच्छा नहीं होता पीने के लिए जितना इसका होता है, इस वैरायटी का मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, जो कोई सा है तो, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं होता, लेकिन ये फिर भी अच्छा खासा हो रखा है, इसमें पानी चल रखा है 12 का। और देख सकते हो क्या स्थिति है हमारे यहाँ की। अभी ढक्कन इसमें जो है घास की स्प्रे कर रहा है, और पता चलेगा 2 दिन बाद की घास की क्या स्थिति है, कितना मर रहा है कितना नहीं मर रहा है। अच्छी खासी बदबू आ रही है, वैसे पौधे काफ़ी अच्छे खड़े हैं, देख सकते हो किसान भाइयों काफ़ी अच्छे खड़े हैं, जबकि अभी तक इसमें कुछ भी मेहनत नहीं हुई है किसान की, और सिर्फ घास है। घास की तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना कोई इतना बड़ा इश्यू है घास का, तो अभी दवा कर रहा है तो बंदा 2-3 दिन में घास इसका मरना स्टार्ट हो जाएगा लगभग, और उसके बाद इसमें जब गिरेगी ना दवा तो ये पौधे इतने चढ़ते चले जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है या नहीं है, दिखेगा ही नहीं। अभी इसमें देखना फुहारा कौन सा वाला बना रखा है इसने, तो अभी मैं दिखाऊंगा। और सिर्फ ये गन्ना है, और हमारे क्या हुआ मैं दिखा दूं, हमारे पास जो गन्ना है ये वाला गन्ना खड़ा है, इसके परे की साइड भी है, अभी दिख नहीं रहा क्योंकि ये इधर से थोड़ा सा वैसा लग रहा है बाउंड्री टाइप का, और उधर की साइड काफ़ी गन्ना है, और घेर से उधर की साइड भी एक खेत बचा हुआ है हमारा गन्ने का। और बाकी देखते हैं, इस महीने तो पूरा मिल चलेगा ही चलेगा। इसका वो कांग है डंडा सा स्टील वाला, उससे ज़्यादा सही पकड़ में आता ना यो। यो फुहारा कौन सा तू अलग से लाया गया? यो जो वो प्लास्टिक की कैप सी आवे उस वाला, वो वाला फुहारा आ गया, तू कैप ना लाया था? अरे कैप का मतलब यह है कि उस पर तो यह है कि जो पत्तियों पर लग रही है ना तेरे गन्ने वाली पे, उस पर नहीं लगने देती वो, सिर्फ फुहारा फुहारा लाया तू, कैप ऐसे कहा आयो। तो देख सकते हो गाइज ये फुहारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा गन्ने की पत्तियों पर इसकी छींटे जा रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। इसमें जो है दवा करके एक बार और 2 दिन बाद पानी लग जाएगा, और फिर उसके बाद जब इसमें लगेगी दवा तो अलग ही खेत का रंग नज़र आएगा। ये मेहनत देखो लड़के की कितनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है, दोपहरी में 12 बज रहे हैं और इसने अब तक इसमें कई टंकी कर भी दिए, और सुबह सुबह इसके बहुत सारे काम होते हैं, जिम भी जाता है लड़का, पढ़ाई भी कर रहा है साथ में, स्ट्रगल बहुत तगड़ा कर रहा है, जॉब भी कर लेता है, जॉब अच्छी खासी कर रहा था ये, लेकिन और अच्छी चाहिए इसको, तो अभी कर रहा है तैयारी लड़का। देखो अच्छा खासा फुहारा लगा रहा है, लेकिन गन्ने की पत्तियों पे जा रहा है, इससे थोड़ा सा नुकसान तो होगा मेरे हिसाब से, गन्ने की पत्तियों पे जाने से थोड़ा सा तो होगा मेरे हिसाब से, देखी जाएगी, पर जो भी होगा मैं दिखा दूंगा आपको 2 दिन बाद कितना नुकसान है, क्या नहीं है क्या नहीं है। तो
आप बताना आपके एरिया में कौन सी स्प्रे कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे गन्ने की, ठीक है? और घास की कर रहे हो तो कौन सी वाली कर रहे हो, कौन सी वाली नहीं कर रहे हो गाइस, किसान भाइयों। और आप गन्ना यो गेहूं जो है, मुझे लगता है कि एक लास्ट पानी तो अभी हमें निकालना ही पड़ेगा। एक पानी निकाल देंगे तो क्या है ना, दाने में वजन रहेगा अच्छा खासा, सूख दाना हल्का नहीं पड़ेगा, और ये अच्छा खासा हमें वो दे सकता है, मतलब गेहूं अच्छे खासे निकल सकते हैं खेत से। तो ये स्थिति है। बाकी पढ़ाई भी है, साथ में फिटनेस का भी ध्यान रख रहा है लड़का, बहुत सारी चीज़ें, और देखो खेती का भी पूरा पूरा ध्यान रख रहा है। देख लो कितनी मेहनत है बंदे की, पूरी दोपहरी में लग रहा है, 1 बज रहा है दिन का, और ये इसने पूरा खेत कवर कर दिया पोगों का, भरा हुआ घास ही घास हो रहा है इसमें, जो कि अब ठीक हो जाएगा या फिर इसमें जुताई करवा देगा ये लगभग। बाकी स्प्रे इसने कर दिया, अभी लास्ट टंकी मार रहा है दोस्तों, बहुत ही मेहनत है इसकी। वो कहते हैं ना, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं, और वाकई मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ये मेहनत कर रहा है और एक अच्छी कर रहा है, अच्छा खासा गन्ना निकल रहा है, बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है इसका खेत। देखो ये थोड़ा कैप होनी चाहिए थी इसके ऊपर, पर कोई नहीं। बाकी ये 12 इधर चली रही है, ये दवा इसने ये दो वाली कर, दो शीशियाँ मिला के डाली है, एक एक ढक्कन दोस्तों। बाकी हमारा गांव इस तरीके से दिखता है दूर से, खेत की स्थिति कुछ देख सकते हो इस तरीके से है गाइस। और ये तो फिर भी ठीक है, वो वाला गन्ना का खेत तो थोड़ा हल्का रह गया, क्योंकि बहुत सारे इशूज थे जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए गन्ना बोने में, यानी कि जब तक सबकी खुदाई जुताई ख़त्म हो चुकी थी तब हमने गन्ना बोना स्टार्ट किया था। देखो ये केले कितने अच्छे हो रहे हैं, नीलगाय छोड़ती नहीं केलों को। और ये हमारा देखो आम के पेड़ पर बगर आ रहा है अच्छा खासा, अब आम आने शुरू हो गए, इतने मोटे मोटे आम आएंगे इस पर 2-2 किलो के। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।